छत्तीसगढ़ में शराब बंदी की मांग को लेकर मातृशक्ति के बैनर तले महिलाओं ने मोर्चा खोल धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ अपना आक्रोश जता रही है। बेटियों की सुरक्षा और मातृशक्ति के सम्मान में महिलाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूरे प्रदेश भर में शराबबंदी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर आमरण अनशन पर बैठ अपना आक्रोश जाहिर किया है। वहीं इसको लेकर महिलाओं ने गांधी जयंती के दिन से दुर्ग मानस भवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठकर अपनी आवाज़ प्रदेश सरकार तक पहुंचा रही हैं। इसी कड़ी में मातृशक्ति की लक्ष्मी साहू ने बताया कि 99% अपराध शराबखोरी की वजह से हो रहा है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश भर में शराबबंदी की घोषणा नहीं करती तो हम अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल पर बैठेंगी और जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। गौरतलब है कि इन मातृशक्तियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ यात्रा के दौरान एक ज्ञापन सौंपा था जिस पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है, जिसके चलते जिले भर की महिला मातृशक्ति धरना प्रदर्शन पर बैठ प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान मातृशक्ति संगठन की लक्ष्मी साहू ने कहा कि सरकार की योजनाएं लोकहित में होनी चाहिए। विकास के नाम पर शराब को राजस्व का स्रोत बनाकर अबोध मानव के शरीर का दोहन किया जा रहा है। विकास व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधाओं के लिए होता है। व्यक्ति है तो विकास है, वरना व्यक्ति के बिना विकास का कोई औचित्य नहीं। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मिल रहा है सर, सबसे पहले तो हम लोग जिला जिला में भी ज्ञापन दिए थे, उसके बाद डोंगरगढ़ से हम लोग पैदल मार्च निकले दुर्ग CM हाउस तक। उसमें हम लोग को तो बैरिकेड लगा के स्वागत किया गया था। उनको इतना भी ये नहीं लगा कि जाके पूरे महिलाओं को समर्थन दे, बात करे, कम से कम एक उनका ज्ञापन ही ले लेकर के, लेकिन उसके में इतना हिम्मत नहीं थी कि वो सामने में आके हमारा ज्ञापन स्वीकार करे। कितना जरूरी है शराबबंदी? शराबबंदी बहुत जरूरी है सर। शराबबंदी कैसे जरूरी नहीं है? हर अपराध 99% अपराध शराब की वजह से होता है। ये हम लोग का जब से मुहिम छिड़ा है, शराबबंदी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है और ये अभी से नहीं है सर, बहुत पहले से हम इसमें काम कर आवाज़ उठाया गया है। उसमें भी सुनवाई नहीं हुई है, अभी भी सुनवाई नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी तो कम से कम सरकार बदले। इन्होंने तो गंगा जल लेके वादा किया है, कसम खाए है, तो कम से कम इसको समझदारी होना चाहिए ना, क्योंकि ये इसी बात को लेकर सत्ता में बैठा है। रूप से बंद होना चाहिए क्योंकि इसके चलते बहुत सारे अनहोनी हो रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर में पारिवारिक रूप से झगड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि लड़कियाँ अकेले कहीं जा नहीं सकते, किसी के साथ भी नहीं जा सकते, इसलिए पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। इसके समर्थन के लिए हम रायगढ़ से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं, जिसके लिए 2 अक्टूबर सोमवार से हम लोग धरना स्टार्ट किए हैं। मेरा इस धरना में आमरण अनशन भी है। जब तक छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी तब तक मैं आमरण अनशन करूँगी। हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी आचार संहिता लगने से एक दिन पूर्व कैबिनेट की बैठक करके पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें। इसका समर्थन करने के लिए सभी जिला की मातृशक्ति आई है हमारे में, खैरागढ़ से है, बालोद, रायपुर, बलौदा बाजार, ये सभी जिला से मातृशक्ति आई है। सभी का एक ही मत है, एक ही विचार है हम लोग का कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।